हेलो गाइस, वेलकम टू वन ऑफ यू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल साइनोजन मोड 14 या फिर साइनोजन मोड 14.1 में कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मोबाइल रूटेड होना चाहिए और उसमें TWRP रिकवरी मोड या फिर कोई भी और CWM रिकवरी मोड इंस्टॉल होना चाहिए। पर्सनली मुझे TWRP रिकवरी मोड जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो TWRP अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो उसके लिए फिर आपको दो फाइल्स लगेंगे। अगर आपको साइनोजन मोड 14 में करना है तो आपको CM14.0 फाइल लगेगी और उसके लिए जो जी हैप्स है वो लगेंगे आर्म 64 7.0 नैनो। और अगर आपको CM14.1 यानी नोगट 7.1 के लिए करना है तो जो है आपको दो फाइल्स लगेंगे फिर भी CM14.1 के लिए, और एक जो है वो है जी एप्स आर्म 64 7.1 नैनो। वंस आपके पास ये दो फाइल आ गए, डाउनलोड इट बाय क्लिकिंग इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो। आपके पास ये फाइल्स आ गए तो अभी आपको सेटिंग्स में जाना है, और जैसे आप सेटिंग में जाओगे फिर आपको स्लाइड डाउन करना है, अबाउट फोन में जाइए, फिर बिल्ड नंबर पे 7 to 8 times क्लिक कीजिए, फिर बैक जाइए, डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, और वंस आपने डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया कि फिर आपको नीचे जाना है और आपको एडवांस रिबूट पे चेक करना है, और उसके बाद आपको बैक जाना है, फिर उसके बाद आपको जो है पावर बटन दबानी है और रिबूट पे क्लिक करना है और रिबूट टू रिकवरी पे क्लिक करना है। ओके कर दीजिए। तो एक बार जो है अभी आपको जो है इस पे क्लिक कर देना है, फिर जो है मोबाइल जो है रिबूट हो जाएगा रिकवरी मोड में। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो 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 भी आपको दो फाइल्स चाहिए वो डाउनलोड करके इंटरनल स्टोरेज में ही रखें, उसके उसे किसी फोल्डर में ना डालें ताकि आप उसे इजी तरीके से एक्सेस कर पाए। तो ये जो है हमारा TWRP रिकवरी मोड ओपन हो गया है। तो सबसे पहले जैसे ही TWRP ओपन हो जाता है आप बैकअप ले लीजिए ताकि अगर कुछ हो जाए तो आप रिस्टोर कर सके। बैकअप पे क्लिक करने के बाद कंफर्म करने के लिए स्वाइप कीजिए। स्वाइप करने के बाद आपको जो है काफ़ी टाइम तक जो है वेट करना पड़ेगा, बैकअप होने के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है, सो बी पेशेंट। तो आप देख सकते हैं कि बैकअप हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर ही आया है। इस बुक जो है 94-95% पर है, सो बैकअप होने दीजिए, पेशेंस रखिए। फिर जैसे ही बैकअप कंप्लीट हो जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई हड़बड़ी ना करें, जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही कीजिएगा। सो नाउ एज यू कैन सी द बैकअप इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट, बैकअप जो है कम्प्लीट हो ही गया है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि आपको बैक जाना है, यहाँ से जो है बैक जाइए, फिर बैक जाने के बाद फिर से बैक जाइए। अभी आपको क्लिक करना है वाइप पे, राइट पे सबसे ऊपर वाइप पे आप क्लिक कीजिए, फिर वाइप पे एडवांस पे क्लिक कीजिए, एडवांस वाइप। फिर अभी ध्यान से देखिए जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वही उसी से आपको ये करना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है डेल्विक कैचू पे, इसे टिक कर दीजिए, और आपको क्लिक करना है सिस्टम और डेटा और कैचू। आपको इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड को डिलीट नहीं करना है। सो अभी इसको भी जो है 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपको इसमें भी जो है पेशेंस रखना है, बी पेशेंट एंड दैट्स इट। जैसे जो है फिर वाइप हो जाता है सारा डाटा तो फिर आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाइए, फिर से यहाँ से बैक जाइए। तो जैसे आप बैक जाएंगे तो अभी आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल के बाद जो फाइल्स आपने डाउनलोड की है उसे आप पहले क्लिक करेंगे CM, ये जो है CM14.1, फिर जो है ऐड मोर जिप फाइल्स, फिर से आप नीचे जाएंगे और जो है आप जी एप्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप जी एप्स को, और फिर फ्लैश करने के लिए हम इसे स्वाइप करेंगे, यू हैव टू स्वाइप इट लाइक दिस।
सो नाउ यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, इसके लिए भी वक्त लगेगा थोड़ा। जो साइनोजिन की फाइल है वो तो जल्दी हो जाएगी, फिर इसके बाद जीएफ्स की जब आप देखेंगे सामने, जैसे ही साइनोजिन 14.1 जो है फ्लैश हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि जो मैंने जीएफ्स डाउनलोड किए हुए थे वो जो है ठीक से फ्लैश नहीं हुए, क्योंकि मैंने गलत जीप ऐप्स डाउनलोड किए थे। तो मैंने आपको जो लिंक दिए हैं आप वही से डाउनलोड कीजिए, और जो मैंने आपको बोला है कि आप अगर आपको 14.0 करना है तो कौन से जी एप्स करने हैं, और अगर 14.1 साइनोजन करना है तो कौन से जी एप्स करने हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, और वही फाइल आपको करनी है डाउनलोड। अदरवाइज़ ऐसे फेल्ड हो जाएगा जी एप्स, जैसे आप देख रहे हैं रेड वहाँ पे, या फिर आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। रोम फिर भी अच्छी है और वो स्टार्ट ही हो जाएगी, आप जी एप्स बाद में फिर से फ्लैश कर सकते हो। तो जैसे ये हो जाता है, अभी आपको दिख रहा होगा कि रिबूट सिस्टम हियर, नाउ जस्ट क्लिक ऑन रिबूट सिस्टम। अभी जो है फोन रिबूट हो जाएगा, इसमें भी जो है 10 से 15 मिनट लगते हैं, सो आपको पेशेंस रखना है। मैं आपको वीडियो अब स्किप करके दिखाता हूँ। सो हमारा साइनोजन मोड 14.1, दैट इज CM 14.1, 7.1 नो कोड जो स्टार्ट हो चुका है। अब जो है नॉर्मल जो सेटअप है वो कंप्लीट कर दीजिए, स्किप, देन सिलेक्ट द सिम जो आपको डाटा कनेक्शन के लिए चाहिए, उसका डाटा कनेक्शन ऑन करना है या नहीं वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको जो स्टार्ट कीजिए, सेटअप कंप्लीट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा नया साइनोजन मोड 14.1 नोगट जो है इसमें इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कूल एनिमेशन नया। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये नोगट हो चुका है। हम लोग जो है सेटिंग में जाएंगे, फिर अबाउट फोन, बिल्ड नंबर पे 7 बार जो है क्लिक किया, और आप देख सकते हैं।